कोरियन ड्रामा का वर्ल्ड हमेशा से ही अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट और टर्न से भरा रहता है, लेकिन ऑन स्क्रीन नहीं ऑफ स्क्रीन भी कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो फैंस के लिए इक्वली शॉकिंग होते हैं। हम सब ने अपने फेवरेट एक्टर्स को अनफॉरगेटेबल रोल में देखा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ एक्टर्स ने कुछ फेमस ड्रामा के रोल को रिजेक्ट किया है जो कि उनके करियर के लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है। नंबर 1 आयु, इनको तो आप सब ने होटल डे लूना और मून एम्बेरेस इन द सन जैसे फेमस कोरियन ड्रामा में देखा होगा, और इनका परफॉर्मेंस दोनों ही ड्रामा में माइंड ब्लोइंग था। लेकिन इनको 3 फेमस कोरियन ड्रामा के रोल ऑफर हुए थे, इनको इन्होंने डिफरेंट रीजन के लिए रिजेक्ट कर दिया था। सबसे पहले ड्रामा की बात करें तो इनको क्वीन ऑफ ट्रेस ड्रामा में फीमेल लीड का रोल ऑफर हुआ था, लेकिन कुछ पर्सनल रीजन के वजह से उन्होंने इस ड्रामा को करने से मना कर दिया। अगर वो इस रोल को एक्सेप्ट करती तो ये ड्रामा उनका 4th ड्रामा होता एक्टर किम सो हुन के साथ। इससे पहले दोनों ने ड्रीम हाई, द प्रोड्यूसर और होटल डोलूना जैसे ड्रामा में साथ में काम किया है। दूसरा ड्रामा जो आयु को ऑफर हुआ था वो है यूटन क्लासेस, लेकिन उस टाइम आयु होटल डोलूना की शूटिंग कर रही थी, इसकी वजह से उन्होंने इस ड्रामा को करने से मना कर दिया और उनके वजह से ही हमें किम डामिन का स्ट्रॉन्ग एक्टिंग परफॉर्मेंस के बारे में पता चला। तीसरा ड्रामा जो आयु को ऑफर हुआ था वो है द 8th शो। ये एक थ्रिलर सस्पेंस ड्रामा है जिसके बारे में आप सबको पता होगा, और ड्रामा में 8th फ्लोर नाम के कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने के लिए आयु को ऑफर किया गया था। अगर वो इस रोल को एक्सेप्ट कर लेते तो ये उनका कमबैक ड्रामा होता 2019 में आई होटल डोलूना के बाद। द 8th शो ड्रामा में हमारी फीमेल लीड का कैरेक्टर एक साइकोपैथ है, और वैसे रोल में आयु को देखने के लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। नंबर 2 सुनजुंगी, इनको तो आप सब ने विंजेंजो और डिसेंट ऑफ द सन जैसे फेमस कोरियन ड्रामा में देखा होगा, और इनकी पॉपुलैरिटी के बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं। सुनजुंगी को 2 फेमस कोरियन ड्रामा में मेल लीड का रोल ऑफर हुआ था, इनको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। या सबसे पहले ड्रामा की बात करें तो इनको तो फेमस ड्रामा मून एम्बेरेस इन द सन में एज मेन लीड कास्ट किया गया था, लेकिन उस टाइम वो तो वेलुक मूवी में काम कर रहे थे, इसकी वजह से उन्होंने इस ड्रामा को करने से मना कर दिया। और उसके बाद उस ड्रामा में मेन लीड का रोल किम सो हुन ने प्ले किया था। ये वेलुक मूवी में काम करने के लिए सुनजुंगी को बेसंग नॉमिनेशन अवार्ड मिला था, और मून एम्बेरेस इन द सन ड्रामा करने के बाद किम सो हुन को वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिलना शुरू हो गया था। दूसरा ड्रामा जिसको सुनजुंगी ने रिजेक्ट किया था वो है द किंगडम। किंगडम ड्रामा के बारे में आप सबको पता ही होगा, जहां हमें जॉम्बीज वर्सेस ह्यूमन का फाइट देखने मिलता है। इस ड्रामा के शूट के टाइम वो अपने शादी के अरेंजमेंट में बिजी थे, और इसीलिए उन्होंने इस ड्रामा को करने से मना कर दिया। उसके बाद उनका रोल जो जुंग ने एक्सेप्ट कर लिया था, और उन्होंने भी ड्रामा में कमाल का परफॉर्मेंस किया है। नंबर 3 गोंग यू, इनको तो आप सबने गोब्लिन और स्क्विड गेम जैसे फेमस ड्रामा में देखा होगा, जहां इन्होंने माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस किया है, और उसके बाद लोग उनके बहुत बड़े फैन हो गए। लेकिन इन्होंने भी एक फेमस कोरियन ड्रामा को रिजेक्ट किया है जिसका नाम है डिसेंडेंट ऑफ द सन। गोब्लिन और डिसेंडेंट ऑफ द सन ड्रामा के राइटर हैं किम योन शुक, और उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि वो डिसेंडेंट ऑफ द सन ड्रामा में गोंग यू को एज मेन लीड लेना चाहते थे, और गोब्लिन ड्रामा को एक्सेप्ट करने से पहले उन्होंने किम योन शुक की स्क्रिप्ट को पिछले 5 साल से रिजेक्ट कर रहे थे। स्क्रिप्ट राइटिंग के 1 साल बाद सुनजुंगी ने ये रोल को एक्सेप्ट कर लिया था, और उसके बाद क्या हुआ वो तो आप सबको पता ही है। नंबर 4 सॉन्ग ए क्यू, इनको तो आप सबने डिसेंडेंट ऑफ द सन और ग्लोरी ड्रामा में देखा होगा, जहां इन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया है। लेकिन इन्होंने एक फेमस कोरियन ड्रामा को रिजेक्ट किया है जिसका नाम है हेना। इस ड्रामा में हमें 2 लॉयर की स्टोरी दिखाई जाती है जो टॉप 1% कोरियन के लिए काम करते हैं। हमारी फीमेल लीड केस को जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, और हमारा मेल लीड बहुत ही ज्यादा स्मार्ट और इलाइट नेचर का है। सॉन्ग क्यों ने इस ड्रामा को शेड्यूलिंग इशू होने की वजह से रिजेक्ट कर दिया था। नंबर 5 किम सो हुन, इनको तो आप सबने क्वीन ऑफ टीयर्स और इट्स ओके नॉट टू बी ओके जैसे फेमस ड्रामा में देखा होगा, और इनकी पॉपुलैरिटी के बारे में भी आप सबको पता ही होगा। लेकिन इन्होंने भी एक फेमस कोरियन ड्रामा को रिजेक्ट कर दिया था जिसका नाम है बॉयज ओवर फ्लावर, और ड्रामा में इनको मेन लीड का रोल ऑफर नहीं हुआ था बल्कि ली जे हा का रोल ऑफर हुआ था, और इन्होंने ड्रामा की स्क्रिप्ट रीडिंग में भी पार्टिसिपेट किया था। लेकिन कुछ पर्सनल रीजन की वजह से इन्होंने इस ड्रामा को करने से मना कर दिया, और अगर उस ड्रामा को एक्सेप्ट कर लेते तो हमें किम सो हुन और ली मिंग हुन एक ही ड्रामा में देखने मिलते, जो कि एक हिस्टोरिकल मोमेंट होता। हालांकि उसके 2 साल बाद इन्होंने ड्रीम हाई ड्रामा में एज ए मेन लीड काम किया था, और उस ड्रामा के बाद इनको वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिलना शुरू हो गया था। नंबर 6 यू बिन, इनको तो आप सबने क्रैश लैंडिंग ऑन यू और द सुनले जैसे फेमस कोरियन ड्रामा में देखा होगा, लेकिन इन्होंने भी एक फेमस कोरियन ड्रामा को रिजेक्ट किया था जिसका नाम है किलमी हिलमी। ड्रामा में हमारे मेन लीड के मल्टीपल पर्सनैलिटी होने वाले हैं, और किलमी हिलमी ड्रामा एक ग्लोबल हिट था। यू बिन ने इस ड्रामा को करने के लिए इसलिए मना किया था क्योंकि उस टाइम वो एक टीवी सीरीज में काम कर रहे थे, और उसके बाद वो रोल को जी सॉन्ग ने एक्सेप्ट कर लिया था। इन सारे एक्टर में से कौन से एक्टर ने ड्रामा को रिजेक्ट करके अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की है हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।